जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, बहुत आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। हम आज बात करने वाले हैं कि सच्चा जीवन साथी कौन है। ये मन में आपके कई बार प्रश्न उठता है, इसके बारे में मुझे बहुत बार कमेंट्स भी मिलते हैं और कई सारी बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात, प्यार किसी से भी हो सकता है। हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, भाई बहन से प्यार करते हैं, और कई बार जो इश्क मोहब्बत होती है, जो आज के युवाओं का एक क्रेज है, वो तो इन सभी भावों में देखिए, माता पिता का जो भाव होता है वो स्वाभाविक आप समझते हैं, वो निस्वार्थ भाव होता है, जिसमें कुछ लेन देन या किसी भी प्रकार से लालच नहीं होता है, निस्वार्थ भाव होता है। तो प्यार की पहली जो शर्त है वो है निस्वार्थ भाव, चाहे आप किसी से भी करें। जब तक निस्वार्थ नहीं होंगे, तो निस्वार्थ अगर नहीं होंगे तो त्याग नहीं पैदा होगा, और त्याग नहीं पैदा होगा तो वो फिर मतलब ही रिश्ता हो जाएगा। प्यार का मतलब ही त्याग है, उसमें कुछ पाना नहीं चाहता व्यक्ति, खोना चाहता है। तो ये सरल सी परिभाषा है जिसे आपको समझना चाहिए। अब ये तो पुराने जमाने की हो गई, लेकिन अब आधुनिक भी कुछ चीजें चलती है। तो पहली और मुख्य बात है, वो है आजादी, फ्रीडम। कई सारे, ये मैं जो प्रेम प्रसंग के मामले उन पर ही बात कह रहा हूँ, कई सारे ऐसे रिश्ते हैं कि उसमें हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके दबाव में, यहाँ मत जाइए, ये मत करिए, ऐसा क्यों है, किसके साथ जाना। तो ये आजादी का न होने से मेरा मतलब है, ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन ये पसंद नहीं का मतलब नहीं, ये एक अधिकार हो गया। और एक अधिकार होने के साथ साथ हमें प्यार जरूर करना है, लेकिन उनकी आजादी का भी ख्याल रखना है, तभी तो आप प्यार कर रहे हैं। नहीं तो आप तो उन पर राज कर रहे हैं। तो ये प्यार और राज करने में जमीन आसमान का अंतर है। प्यार में फ्रीडम है, स्वतंत्रता या आजादी है, और उसके बाद दूसरा नंबर है, अगर ये चीजें हैं तो इसमें शक है, और शक जहां होगा वहां प्यार नहीं होगा। प्यार का नाम ही विश्वास है। तीसरी बात है कि खुद से ज्यादा परवाह। बहुत से लोग नशा करते हैं, जिन्हें अपने शरीर की परवाह नहीं है, वो दूसरों की क्या परवाह करेंगे। तो ये बात बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति के, अगर वाकई में वो किसी से प्यार करता है, तो खुद के प्रति भी उतना ईमानदार हो उतना दूसरों के प्रति। बहुत से लोग नशा करते हैं, नशे से खुद का नाश है, पैसों का नाश है, और जो खुद का नाश है उससे हमारे जो परिवार, जिनसे आप प्रेम करते हैं, वो लोग भी दुखी होंगे, क्योंकि आपको कुछ होगा तो परेशान तो वही होंगे ना। तो क्या वाकई में प्यार करते हैं? तो ये दूसरा एंगल मैंने बताया, जो नया एंगल है। तो प्यार जो है वो एक बहुत बड़ा विस्तृत है, जिस पर मेरी वो क्षमता नहीं है कि मैं उस पर व्याख्यान दे सकूं। बड़ा से बड़ी बात आपको बता, सरल और सहज शब्दों में जो चीजें आपसे शेयर की, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, और यही प्यार की सही सरल परिभाषा और सरल बात है जिसे समझने की हमें आवश्यकता है। तो अगर इसमें से कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी एक राय जरूर छोड़ के जाएं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।